बहुत परेशान हो गए थे, हो गए थे मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा इंटरव्यू हो गया, क्योंकि 5-6 साल से वेट कर रहे थे। तब मेरा कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर के जाते, ऐसा लगता बंद कर देते हैं बाहर में जाए। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अगर ऐसा लगता है तो वही लोग रेस से बाहर हो जाए। और एक सोल है, पेशेंस और परसिवरेंस, बहुत ज्यादा पढ़ लोगे तो इंटरव्यू निकल जाएगा, ऐसा कुछ है? सब करना पड़ता है। योगा आप करते हो, योग और योगा में क्या अंतर? अच्छा, जितने जल्दी थक जाएगा उतने जल्दी रेस से बाहर हो जाएगा। आपसे कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए थे आपको? मेरा पूरा आध्यात्मिक जो बेस था, जैसा कि मैंने बताया, रामायण महाभारत आदि शंकराचार्य और नंदाष्टकम। मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो रामायण महाभारत को उससे कंपेयर करो। सूर्य नमस्कार, योगा आप करते हो, योग और योगा में क्या अंतर है, दोनों का मैकेनिकल इंजीनियरिंग से क्या रिलेशन है? तो मैंने कोशिश पूरी की है अच्छे से आंसर देने की। आपका पहला इंटरव्यू है क्या ये? नहीं, मेरा सेकंड इंटरव्यू है। 2020 में भी दिया था मैंने, तब मेरा कॉमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर चयन हुआ है, ये सेकंड इंटरव्यू था। अभी आप पदस्थ हैं? नहीं नहीं, अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है जी। तो कर रहे हैं, तैयारी करते रहो, थक नहीं जाते, हार नहीं जाते, ऐसा लगता बंद कर देते हैं बाहर में जाए? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अगर ऐसा लगता है तो वही लोग इस रेस से बाहर हो जाते हैं। अच्छा, जितने जल्दी थक जाएगा उतने जल्दी रेस से बाहर हो जाएगा, तो इस रेस में लगे रहना है। परसिवरेंस जरूरी है, बहुत जरूरी है, परसिवरेंस और पेशेंस, पेशेंस दोनों दोनों आत्मा है इसकी, एक बॉडी है और एक सोल है। पेशेंस और परसिवरेंस। और मैम, आपको पर्सनली कैसा फील हो रहा है इंटरव्यू देके? मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा इंटरव्यू हो गया, क्योंकि 5-6 साल से वेट कर रहे थे और अब हो गया। मैं ऐसा लग रहा है कि इतने सालों से जो पढ़ा था, चलो थोड़ा वो एवरेज और एन एवरेज वहाँ यूज हो गया, हमारा ब्रेन वहाँ पे ना जिंदगी भर जो हमने पढ़ा होता है ना, जो जो हमने ऑब्जर्व किया होता है वही काम आता है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे तो इंटरव्यू निकल जाएगा, ऐसा कुछ है? सब करना पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है, वो इस प्रोसेस का पार्ट है, हमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है। और ऑब्जर्व जो हम करते हैं ना, ऑब्जर्वेशन, उसे बहुत इंक्रीज करना होगा, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपका जो फील्ड है वही पूछा जाए। आध्यात्म से मेरा कोई लेना देना नहीं है, एक लेवल पे हम सबका होता है, लेकिन वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो काफ़ी अच्छा रहा है। इंटरव्यू 19 के बाद अभी हो रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ में आपको ऐसा लगा कि नहीं यार बहुत परेशान हो गए हैं, ऐसा कुछ? बहुत परेशान हो गए थे, ये रियलिटी है, लेकिन हमें उसी को तो फेस करना होता है ना। यही सिखा, ये एग्जाम हमें यही सिखाता है कि इस टाइम पे जो लो टाइम आता है ना, तब हमें यही सीखना होता है कि अभी लो चलता है लेकिन हाई भी आएगा। हाई भी आएगा मतलब मुकाम मिलेगा, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, लगे रहना है, लगे रहना है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया।